सिंगरौली में महिला दिवस पर नारी गरिमा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर विधायक रामलालू वैस ने कहा कि महिलाएं सही मायने में तभी सशक्त बन पाएंगी जब उन्हें अपने अधिकारों का ज्ञान होगा। नारी गरिमा सम्मान समारोह में बड़ी संख्या में महिलाओं को उनके कार्य के लिए सम्मानित किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के तौर पर आए विधायक रामलालू वैस ने कहा कि महिलाओं को जब अपने अधिकारों का ज्ञान होगा तभी वे सशक्त हो पाएंगी। इसके लिए शिक्षा जागरूकता बहुत जरूरी है। देश और दुनिया में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां महिलाएं अपनी योग्यता का लोहा न मनवाया हो। उन्होंने कहा कि आज की महिला निर्भर नहीं बल्कि वह हर मामले में आत्मनिर्भर व स्वतंत्र है और पुरुषों के बराबर सब कुछ करने में सक्षम है। हम सभी को यह स्वीकार करना होगा कि घर और समाज की बेहतरी के लिए पुरुष और महिला दोनों समान रूप से योगदान करते हैं। इस समारोह में विशिष्ट अतिथि के तौर पर देवसर विधायक सुभाष रामचंद वर्मा, कलेक्टर राजीव रंजन मीणा, पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र कुमार सिंह सहित कई लोग मौजूद रहे। दिवस के अवसर पर महिलाओं का सम्मान किया गया और उन्हें सुझाव एक तरह से शासन के नीतियों और उनके हक के बारे में बताया गया। क्योंकि 1917 में महिलाओं ने एक आंदोलन किया कि हमको हक नहीं मिल रहा है। हक के बात ये भी थी कि उन्हें मताधिकार का भी अधिकार नहीं था। तो 8 मार्च के दिन कोई लागू हुआ मताधिकार देने का अधिकार और बराबरी का जो समान अवसर मिले, इस तरह से ये हमको लगता है रूस में शुरू हुआ था। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।